ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का योग परिवर्तन। सिंह राशि में आपकी अपनी राशि में आपके अपने घर के अंदर सूर्य जो आ रहे हैं वो क्या कुछ खेल खेलने वाले हैं। देखिए, आने वाली 17 अगस्त से सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य महाराज इस समस्त सोलर सिस्टम के, समस्त इस संसार के कहा जाता है कि प्रत्यक्ष देवता के रूप में भारतीय संस्कृति में पूजने कहा जाता है उनको। वो इस सूर्यमंडल के आदिपति अधिष्ठ देवता भी माने गए हैं और ऐसा करना चाहिए। सूर्य के कारण से ही इस पूरे संसार का औचित्य है और सूर्य जब उदय हो जाते हैं तो जीवन में नव जागृति, नव शक्ति का संचार हो जाता है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य जो गुरु हैं, विशेष तौर पर अपने मालिक हैं। वहाँ के सूर्य अपने घर में आते हैं और आपकी राशि को ऐसे समझें कि सूर्य अपने घर में आ रहे हैं, आपके अपने लग्न में प्रभाव में उत्पन्न करने वाले हैं। 17 अगस्त को करीब करीब दोपहर को 1:32 पर ये आएंगे, यहाँ पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 17 सितंबर को दोपहर को 1:31 पर चले जाएंगे। तो यानी कुल मिला के करीब करीब 31 दिन इस राशि में सूर्य प्रवेश करने वाले हैं, सूर्य रहने वाले हैं और रहकर वहाँ पर विचित्र प्रकार के खेल खेलने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं या पूरा दोनों तरह से आप देख सकते हैं। जिनकी लग्न सिंह है उनके लिए भी ये देख सकते हैं, लेकिन जिनकी राशि सूर्य उनके लिए भी देख सकते हैं। इस बात को हमें समझना है कि कौन सी राशि या लग्न प्रभावी होती है, ये व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से इन सब सिद्धांतों को समझने के लिए बहुत अच्छा अनुभव चाहिए। आमतौर पर कई बार हमारे लोग बहुत सारे एक बात देखते हैं कि राशि से हमारा मैच नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपकी राशि उतनी प्रबल ना हो, आपके लग्न ज़्यादा प्रबल हो सकता है, आपका लग्न पद उपपद, ये कई प्रकार के भाव भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत देखने का विषय कहा गया है। चंद्र कुंडली ज़्यादा कई बार प्रभावी होती है, कई बार सूर्य कुंडली ज़्यादा प्रभावी होती है। इन सबको बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए, फिर जाकर प्रेडिक्शन करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम यहाँ पर हर तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं जो सूर्य का प्रवेश सिंह राशि में होने जा रहा है, जो उनकी लग्न भी सिंह है या राशि सिंह है, उन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, सूर्य कांति के स्वामी है, सूर्य तेज के स्वामी है, सूर्य प्रसिद्धि के स्वामी है, सूर्य वास्तविक तौर पर पराक्रम के स्वामी माने जाते हैं। और जब सूर्य कहा जाता है कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो ओवरऑल तरीके से ये आपके अंदर कई प्रकार का लाभ देने के बहुत अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इससे आपकी कांति, आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व सब प्रकार से बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात, कुछ देखिए अच्छा भी होता है, कुछ साथ साथ कुछ खराब भी होने के योग बन जाते हैं। एंजाइटी भी बढ़ा देते हैं सूर्य। सूर्य यहाँ पर लग्न में जब आएंगे, राशि में जब प्रवेश करेंगे, लग्न में बैठेंगे, तो वो कई बार व्यक्ति के अंदर एग्रेसिवनेस भी बढ़ा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखने वाला ध्यान रखने की बात आपको रखनी चाहिए। ओवरऑल ऐसा दिखाई देता है कि आपका रौब, आपका प्रभाव, आपके जो व्यक्तित्व का निखार है वो अवश्य अद्भुत रूप से विकास करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है और इसके कारण से आपके जीवन में कई प्रकार के लाभ प्राप्ति होने के योग दिखाई देते हैं। साथ साथ आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखने की भी जरूरत है। सूर्य 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक यहाँ सिंह राशि में रहने वाले हैं और ये सिंह राशि के कारण से कुछ खास बातें ध्यान रखने के लिए। ऐसे बार कई बार क्या होता है कि एंजाइटी बढ़ाते हैं, ऐसे में व्यक्ति को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, परोपकार जितना व्यक्ति करे इस महीने में, खासतौर पर सिंह राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप परोपकार करेंगे, अच्छे काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, परोपकार में कार्य करने का जितना समय लगाने का प्रयास करेंगे, सेवा भाव, अन्न का दान, गेहूं का दान, आटे का दान, ये सब चीज जितने करेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। कई बार सूर्य लग्न में आने के कारण से व्यक्ति के अंदर घमंड, अहंकार भी ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये आपका क्या है, प्रभाव है। सूर्य जब लग्न में आते हैं तो ऐसा कई बार लगता है ना कि एरोगेंसी कई बार बढ़ जाती है, बाद में हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसे टाइम पे मुझे थोड़ा सा सरल हो जाना चाहिए था। ये सारा ग्रहों का प्रभाव ही है, बाद में विवेक जागता है। तो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हमें समझ लेना चाहिए कि पहले हमें क्या समझा रहे हैं, ग्रह क्या प्रभाव डाल रहे हैं, उससे हमारे मनोमस्तिष्क में, हमारे चित्त, हमारे चरित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। तो इस बात को समझते हुए यदि हम कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रखें कि सूर्य जो है तेज, थोड़े से एग्रेसिव ग्रह माने जाते हैं, जिसके कारण से पित्त आपके शरीर में बढ़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पित्त इत्यादि ना बढ़े, उसके लिए थोड़ा सा पानी ज्यादा पीजिए, सही समय पर खाना खाइए,
पित्त किस कारण से बढ़ रहा है, कि हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम से खाना नहीं खा रहे उसके कारण भी पित्त बढ़ जाता है, पेट में एसिड उसके कारण से बढ़ सकता है। तो सही टाइम से खाना इत्यादि, भोजन इत्यादि आपको यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये सूर्य आपके पित्त के कारण से सिर दर्द, कई प्रकार के अपच इत्यादि की परेशानी भी दे सकता है। तो इस बात का ध्यान रखने की आपको परम आवश्यक है। एक बात और, क्रोध बढ़ सकता है। सूर्य लग्न में क्रोध भी बढ़ा देते हैं और साथ साथ छोटी छोटी बातों में गुस्सा लाने के रूप बढ़ा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना। सूर्य का स्वभाव जो है राजा का स्वभाव है, यानी बहुत बात बिल्कुल हल्की बात भी छोटी सी लगी तो वो अंदर तक अपमान का ग्रास भर देती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों से एंजाइटी ना बढ़ने दें। राजा को बड़ा शांत होना चाहिए, लेकिन सूर्य तो है एग्रेसिव है, तो जो हल्की सी अशांति आपके जीवन में कष्ट देने के योग दे सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य लग्न में स्वयं अपने घर आ रहे हैं तो ओवरऑल तो अच्छा करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ खास बातों को जो हमने बताया, यदि उनका ध्यान रखते हुए आप काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। एक उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सूर्य जब तक आपके लग्न में, वैसे तो हर रोज आपको जो इनकी राशि सूर्य है उनको तो ये हमेशा ही करना चाहिए, भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल देना चाहिए। यदि इन दिनों जब तक ये 17 अगस्त से लेकर आप चाहते हैं कि आपके मनोमस्तिष्क में शांति बनी रहे, एग्रेसिवनेस दूर रहे, तो एक उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए, आपकी राशि से बहुत जरूरी है, अच्छा रहेगा। तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लेकर, पूरा जल भर लीजिए उसमें, और थोड़ा सिंदूर और एक पीला पुष्प, कनेर के पुष्प आजकल बहुत आ रहे हैं, कनेर का पुष्प का पीले वाले पुष्प का संबंध भगवान सूर्य से बहुत अद्भुत प्रकार से रहता है। तो थोड़ी रोली डालकर, थोड़ा सा कनेर पुष्प डालकर, ओम ग्रीन सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य उदय होने के समय पर भगवान सूर्य को जल अवश्य देने का प्रयास करें। ये छोटा सा उपाय आपके बहुत सारे कष्टों को हरेगा, एग्रेसिवनेस को शांत करेगा, और साथ साथ यदि हो सके तो तांबे के बर्तन इत्यादि पूजा के मंदिर स्थल में दान करने का प्रयास कीजिए। था उचित भाव से सूर्य के रविवार को रविवार ये कम से कम करने का प्रयास कीजिए, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। एक काम कर सकते, कम से कम रविवार को नमक का सेवन एक समय ना करें। यह एक बहुत श्रेष्ठ उपाय है, इसको करने से आपको अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त होगा, आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने में बहुत सूर्य सहायक हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें, लेकिन ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कि आपके प्रभाव से, आपके ओरा से बहुत सारे लोग आपके प्रभावित होने के योग बन सकते हैं, आपसे प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर लाभ प्राप्त राज्य संबंधित जो कार्य, जो राज्य संबंधित जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित काम है, यदि ऐसे समय में आप जाकर उस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको उसका लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जो बच्चे उनके लिए ज्ञान वर्धन का बहुत अच्छा है, उन वो जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उनको अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट का आधार मिल सकता है, धर्म क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ सकता है, ये साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव भी है तो कुछ नेगेटिव भी है, एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, एंजाइटी बढ़ सकती है। तो उन सबको शांत करने के लिए हमने जो उपाय बताए हैं वो आप करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।